हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से लेकर 3 तक कवर किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 का जो दो और क्वेश्चन बचा है 4 और 5 कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना शुरू करती है। यदि ये कारें अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल बतानी है। तो क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार है बी की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में है दोनों कारों के बीच की दूरी, मतलब एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं और इसकी दूरी है 100 किलोमीटर और है, यदि ये कारें अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो भी 5 घंटे बाद मिलती है। तो यहाँ कंडीशन में ना थोड़ा सा कमी मुझे लग रहा है। यह होना चाहिए था कि दोनों अलग अलग चाल से चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती है, ये होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं दिया है। तो 5 घंटे से चलते हैं तो एक्स जो है 5 घंटे में कार ए, यहाँ लिखेंगे कार ए के द्वारा तय की गई दूरी, दूरी होता है चाल गुणे समय, समय है 5 और चाल है x, इतना किलोमीटर। और दूसरी कार है, यहाँ ए होना चाहिए था, बी के द्वारा तय की गई दूरी 5y किलोमीटर। अब दोनों का अंतर तो हो जाएगा 5x-5y इक्वल कितना है 100। 5x-5y दोनों का अंतर है 100, सही है। तो ये हो जाएगा 5 कॉमन होगा, x-y 100, ये होगा x-y 100/5, ये हो जाएगा 20। इक्वेशन बनेगा x-y 20 फर्स्ट इक्वेशन। और दोनों के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, तो x के द्वारा हो जाएगा x का a के द्वारा और b के द्वारा y, और ये डिस्टेंस है 100, ये हो जाएगा सेकेंड। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक साथ यहाँ लिखते हैं, x-y 20 और ये हुआ x+y 100। इसको देख लेते हैं, इलिमिनेशन मेथड से इजी है। तो यहाँ ये दोनों वैल्यू इक्वल है, साइन भी डिफर है, तो यहाँ प्लस करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये होगा 2x=120 और x बनेगा 120/2, इट मीन 60। एक आंसर हुआ। अब लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में, तो फर्स्ट इक्वेशन है x-y=20, x का वैल्यू यहाँ पे आया है 60, ये लिखेंगे 60-y 20, -y बनेगा 20-60, -y बनेगा -40 और y बनेगा 40। ये दोनों आंसर हुए। एक जो कार ये है उसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन 5 में एक आयत है और आयत की विमाएं फाइंड करना है,
पूछा है इसकी बीमाएं कितनी है, बीमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई पूछा है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यहां लिखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिटाने में बहुत प्रॉब्लम है बोर्ड में, ये भी सही हो जाएगा आने वाले समय में, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब सुधार कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइव क्वेश्चन में है माना कि आयत की लंबाई क्या माने, एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर में है, वर्ग इकाई तो एक्स से इकाई और चौड़ाई मान लीजिए वाई इकाई। इकाई का मतलब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया है कि सेंटीमीटर में है या मीटर में है, इसलिए हम लोग यहाँ इकाई लिखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एक्स वाई वर्ग क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। क्षेत्रफल को कभी भी स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। अब इसकी जो नई लंबाई होगी, पहले x था तो 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है, तो कम का मतलब यहाँ को माइनस करना है, और चौड़ाई 9 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई हो जाएगा y प्लस 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 एल इंटू बी होता है। तो इसकी जो पहले क्षेत्रफल था वो 9 वर्ग इकाई कम हो गया और ये क्षेत्रफल इतना होगा, x माइनस 5 x प्लस 3 सही है। अब इसको तोड़ते हैं तो x वाई माइनस 9 ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स का वाई में एक्स वाई, और इसका हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15, ये दोनों तरफ है कैंसल हो गया, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल माइनस 9। ये सबको लेफ्ट में किए हैं, इसको राइट में, तो चूंकि टोटल वैल्यू चेंज किए हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। अब 9 को 15 को राइट में कर देते हैं, तो हुआ 3x माइनस 5y, ये 9 रहेगा और ये 15 प्लस में हो गया, 3x माइनस 5y 9 6 15 6 हो जाएगा, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। आगे कंडीशन है, यदि हम लंबाई को 3 वर्ग इकाई और चौड़ाई को 2 वर्ग इकाई बढ़ा दें, तो यहाँ हम डायरेक्ट बता रहे हैं तो क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ऐसे ही यहाँ रखेंगे, पहले क्षेत्रफल एक वाई था, बढ़ गया तो 67 हो गया प्लस में, और ये कितना हो जाएगा, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, इसमें दोनों बढ़ रहा है, तो एक्स प्लस 3 और वाई प्लस 3 है, कितना है 2 है, 2 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको सब करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67 इतना ही रहेगा, और यहाँ एक्स वाई, एक्स का वाई में एक्स का इस 2 में 2x, 3 का वाई में 3y, 3 2 जा 6, एक्स वाई कैंसिल होगा, वैसे ही पहले जैसे सबको राइट वाले को लेफ्ट में लाते हैं और इसको राइट में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 67 माइनस 6, इट मीन्स 2x प्लस 3y इक्वल 61। तो ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को यहां लाते हैं तो ये हो जाएगा 3x
माइनस फाइव वाई इक्वल सिक्स, फर्स्ट इक्वेशन जो कि यहाँ पर आया था देख सकते हैं, और सेकेंड इक्वेशन आया है टू एक्स प्लस थ्री वाई, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल सिक्सटी वन, ये सेकेंड। अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड, विलोपन भी कर सकते हैं, चलिए विलोपन से करते हैं। तो इसमें करना होगा टू से फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में थ्री से, इंटू कर देते हैं। टू से हुआ सिक्स एक्स माइनस टू फाइव या टेन, और ये हो जाएगा ट्वेल्व, इसमें थ्री से थ्री टू या सिक्स, थ्री थ्री या नाइन, और इसमें थ्री से थ्री हुआ और थ्री सिक्स या एटीन। माइनस करते हैं, माइनस 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 इक्वल होगा तो माइनस नाइनटीन वाई, और यहाँ वन थर्ट वन एटी थ्री माइनस ट्वेल्व है, थ्री माइनस टू वन हुआ और एट माइनस वन सेवन हुआ, वन रहेगा माइनस में, तो वाई हो जाएगा वन सेवेंटी वन बाई नाइनटीन, ये नाइन टाइम्स में कट होगा, वाई हो जाएगा नाइन। अब लिखेंगे वाई का मान, वाई का मान समीकरण फर्स्ट में, तो फर्स्ट इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल सिक्स, थ्री एक्स रहेगा सिक्स इंटू नाइन, वाई का वैल्यू सिक्स है, ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर इक्वल सिक्स, ये बनेगा थ्री एक्स इक्वल सिक्स प्लस फिफ्टी फोर, थ्री एक्स इक्वल दोनों ऐड होगा सिक्स फोर टेन हुआ वन और ये सिक्स हुआ, तो एक्स हो जाएगा सिक्सटी बाई थ्री, तो ट्वेंटी थ्री या सिक्सटी, एक्स का वैल्यू हुआ ट्वेंटी, तो एक आंसर बनेगा नाइन इकाई, क्योंकि तो हमने यहाँ इकाई माना है, क्वेश्चन में भी इकाई ही दिया है और यहाँ भी इकाई, तो इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई है, चौड़ाई हो गई वाई इकाई और लंबाई हो गई बीस इकाई। इस तरीके से क्वेश्चन फोर और फाइव कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।